तो इस प्रकार हमने इस भाग में देखा कि एक बात को लेखक ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि क्षमता कैसी भी हो, हर संतान का अपनी मातृभूमि के प्रति समान योगदान होता है। जहाँ के नागरिक इस बात को समझ लेते हैं, उस राष्ट्र का एक सुदृढ़ विकास होता है और वह राष्ट्र विश्व में आगे बढ़ने का कार्य करता है। किसी भी एक भाग को पीछे छोड़कर पूरा राष्ट्र कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। लास्ट पार्ट लेते हैं हम लोग। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद में प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जो जन का प्रवाह अनंत, अनंत शब्द का अर्थ आपको पहले से क्लियर है, जिसका दूर दूर तक कोई अंत दिखाई ना दे वो है अनंत। जन का प्रवाह अर्थात प्रवाह का अर्थ होता है बहाव। तो इस विश्व में लोगों का विस्तार, उनका जन्म लेना और उनका इस संसार में जीवन जीना, फिर मृत्यु को प्राप्त करना, फिर नया जीवन प्राप्त करना और फिर जीवन जीना, ये एक बहाव की क्रिया है, प्रवाह है, जो कि हमेशा से चलती रही है। इसी को आपको अगर ये अंडरलाइन पॉइंट में आता है तो आपको व्याख्या में देना है। और कब से इस पृथ्वी का अस्तित्व है उसके विषय में लेखक को चर्चा करता है कि हजारों सालों से भूमि के साथ भूमि में रहने वाले लोगों ने एक तादाद में, मतलब एक संतुलन स्थापित किया है और वही संतुलन इस पृथ्वी को राष्ट्र रूप में स्थापित करता है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक है, इसका प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है कि तब तक है जब तक सूर्य जो है वो अपनी रश्मियां अर्थात अपनी किरणों से इस भुवन, भुवन का अर्थ होता है संसार, इस भुवन को प्रकाश से भर देता है, तब तक तो निश्चित रूप से एक राष्ट्र में रहने वाले लोगों का जीवन भी अमर है। लोग हो सकता है कि अपनी आयु के अनुसार परिवर्तित होते रहें, आते रहें और जाते रहें, लेकिन हर दशा में जैसे भारत में रहने वाले व्यक्ति भारतवासी ही कहलाएंगे, तो जब तक भारत है तब तक भारतवासियों का जीवन भी अमर है। और वो कब तक अमर है, लेखक ने यहाँ पर यह स्पष्ट किया है कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ संसार को अपनी किरणों से भरती हैं तब तक अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। स्पष्ट किया इन्होंने कि अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, इतिहास जीवन में परिवर्तन तो करता ही है, राष्ट्र के जीवन में भी परिवर्तन करता है, कभी उत्थान की ओर बढ़ता है तो कभी अचानक पतन का अवसर आ जाता है। इन उत्थान पतन से बढ़ता हुआ कोई भी राष्ट्र आगे बढ़ता है विकास की ओर, संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन बढ़ता अवश्य, ठीक वैसे ही जैसे नदी की धारा पर्वत से चलती है आगे बढ़ती है, कभी चट्टान ऊंची होती है कभी नीची होती है, कभी मैदान होता है कभी हरियाली कभी घोर रेगिस्तान, लेकिन फिर भी नदी अपनी धारा के साथ अपने वेग के साथ संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती रहती है। मनुष्य का जीवन भी राष्ट्र में उसी प्रकार आगे बढ़ता रहता है और राष्ट्र उन मनुष्यों के साथ में अपना विकास भी करता रहता है। इस प्रकार अब बात करते हैं, हम लोग का ये भाग खंड खत्म होता है बच्चों, जिसका नाम था जन। अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृति खंड के बारे में। छोटी सी बात कर लेते हैं असाइनमेंट के बारे में, आज आप जन खंड से संबंधित एक असाइनमेंट देखेंगे और उसका उसी अनुसार उत्तर देंगे जैसे कि मैंने आपको कल बताया था विस्तार पूर्वक कि किस प्रकार से आपको उत्तर देने हैं। फिर भी आपके कोई प्रश्न हो, कुछ अलग तरह की समस्या हो, तो उनको अपने पास लिख करके रखें, कोई ना कोई एक ऐसा माध्यम निकल कर आएगा जिसके माध्यम से आप अपनी बात हम तक भेज सकेंगे और आपको उसका उत्तर भी मिल सकेगा। सो स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल टेक अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज संस्कृति।